हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 23 सितंबर, डे है फ्राइडे। तो अभी मौसम का भी काफ़ी फर्क पड़ चुका है, पिछले दिनों काफ़ी गर्मी रही है तो बच्चों के एग्जाम्स वगैरह भी ओवर हो चुके हैं। अभी है आफ्टरनून का टाइम, तो अभी मैं बनाऊंगी मसाला अरबी और साथ में तवा बैंगन, और साथ में बना रही हूँ राजमा। तो अभी मैं बना रही हूँ मसाला अरबी, तो बस ये मैंने बॉईल करके रखी है। अभी मैं इसको छील लूंगी, जैसे हम पोटैटोस को छीलते हैं ना, वैसे ही बॉईल करना है इसको। बस इसका जो छिलका है ये देखिए, ये अपने आप ही निकल जाएगा। तो अभी मैंने सारी अरबी को छील लिया है। अब इसके ऐसे बीच में से इसको हाफ कर देना है, इस तरह से बस ऐसे हाफ कर करके इसको रखते जाना है। अभी इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म होएगा तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ मसाला अरबी के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। अरबी के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाला है इसमें, 2 चम्मच, 2 चम्मच नमक डाला है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। एक चम्मच डालूंगी धनिया। एक चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा ही डालना है धनिया, धनिया का टेस्ट अच्छा लगता है इसमें। थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ा सा अमचूर 1/2 चम्मच, साथ में मैंने ली है थोड़ी सी कसूरी मेथी। और 2 चम्मच बेसन, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना। बस इधर तेल हो गया गरम, तेल गरम हो चुका है, तेल ज्यादा गरम हो गया, इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, अब इस मसाले में इस अरबी को ऐसे, मतलब कि पूरा इसके ना साइड्स पे भी मसाला लग जाए, बस ऐसे इसको मिक्स करते हुए मसाले में प्रॉपर अच्छे से मसाला इस पे सब तरफ लग जाए, इसको ऑयल में डालते जाना है। इसकी साइड्स को हमने ऐसे पलटा लेना है।
आंच को हमने तेज ही रखना है, क्योंकि अगर हम स्लो रखेंगे ना फिर अरबी तो बॉईल है पहले ही, तो ये ज़्यादा फिर वो सॉफ्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आंच को हमने तेज ही रखना है। गैस बंद कर दिया था मैंने क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म था। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको निकालते जाना है। इसको इस तरह से हमने बस इसको करके डालते जाना है, और ये काम थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि उतनी देर में पिछले जो पीसेस है ना वो हो जाएंगे। फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि वो जले ना। इसको ना थोड़ा सा क्रिस्पी करना है हमें। इसमें जो बेसन डाला है उससे थोड़ा क्रिस्पीपन आएगा। अब वापस गैस को करना तेज। फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है। अब इसको एक एक करके पलटा लेना है, टर्न कर लेना है इसकी साइड को इस तरह। खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है ये अरबी, और बनानी भी आसान है, जो है ना छीलने का झंझट खत्म। बस एक एक करके इसकी साइड को एक बार फिर से टर्न करना है। अब इसको निकाल लेना एक एक। बस ध्यान रखिए ये टूटे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको करना है। इतना अच्छा कलर आ रहा है ना, गैस को फिर से स्लो कर देना है। आ रही है ना लुक भी क्रंची क्रंची से आ रही है, और टेस्ट भी इसका क्रंची सा होता है, क्रिस्पी सा, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप ज्यादा क्रिस्पी करना चाहते हो तो इसको थोड़ी देर ज्यादा पका लो, नहीं तो 2-3 मिनट काफी है, 2-3 मिनट काफी है। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो 1-1.5 मिनट और दे सकते हो। अब मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ, तो ये हमारी पूरी है रेडी। इसको मैं निकाल अभी इसके ऊपर मैंने सेपरेट किया है हरा धनिया। तो
तो ये हमारी होती है रेडी टेस्टी अरबी की मसाला अरबी की सब्जी। अभी बनाऊंगी मैं बैंगन की सब्जी, तो बस ये ऊपर से ना ये थोड़ा सा निकाल लेंगे, ये पतली पतली स्लाइसेस इसकी हमने काट लेनी है। तो अब इसको ज़्यादा देर नहीं रखूंगी क्योंकि ये काले हो जाएंगे। अब ये वाला जो मसाला है इसमें मैं थोड़ा सा एक एक चम्मच मटेरियल और डाल रही हूँ। एक चम्मच बेसन, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना अच्छे से। ऑयल डालूंगी, ये रिफाइंड ऑयल डाला मैंने, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें। ये जो स्लाइसेस काट के रखे हैं इसको हमने अच्छे से मसाला इसके ऊपर लगा लेना है। बस इस तरह से अच्छे से मसाला लगा के इसको हमने तवे के ऊपर रख देना है। मैंने सारी स्लाइसेस एक ही बार में तवे के ऊपर रख दी हैं क्योंकि ये बैंगन जैसे इसको एयर लगती है तो ये काला हो जाता है ना, तो इसलिए सारे एक ही साथ बना लेंगे। ये जो बच गया इसको हम सब्जी में यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जी में। सारी स्लाइसेस को मैंने ऐसे तवे पे रख दिया है। अब इसको एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते जाना है, मतलब इसकी साइड जो है ना वो टर्न करते जाना है। इसको पकाना है थोड़ी देर, सिम पे गैस रखना है, गैस फ्लेम को हमने स्लो रखना है और स्लो गैस पे इसको पकाना है। Thank you.
बीच में फ्लेम को तेज रखना है और बीच में स्लो रखना है। इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से पकाना है इसको। तो जब अच्छे से पक जाए तो इस तरह से देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है और दोनों साइड पे बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम सभी को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। जितने ये देखने में टेस्टी लग रहे हैं ना, उतने खाने में भी टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे ये तवा बैंगन और साथ में मसाला भी दोनों। इसके बाद मैंने बनाए थे राजमा। राजमा की पूरी सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। राजमा की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। लाइफ में कभी खुशी कभी गम तो चलता ही रहता है। खुशी के माहौल में जब भी हंसने का मौका मिले तो खुलकर हंसे, हंसी को दबाइए मत क्योंकि हंसने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमारी हेल्थ तो अच्छी रहती है और साथ में हम डिप्रेशन और टेंशन से भी बचे रहते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलूँगी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।